हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्वीट डिश बनाना सिखा रही हूँ, शाही पनीर टुकड़ा। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। गैस चला के मैंने थोड़ा सा खोया मंगाया है, इसको मैं दूध में मेल्ट कर दूंगी। खोए को हम थोड़ा सा भून लेंगे, लिक्विड तो हो ही गया ये दूध से। 2 मिनट इसको भून के अब हम इसे ठंडा करने के लिए अलग रखेंगे और एक पैन लेंगे। इसमें देसी घी डालेंगे। ये मैंने ब्रेड लिया और मैं इनको कट कर रही हूँ। कटर से भी कर सकते हैं या घर में जो भी चीज है, ग्लास कटोरी, बस उसके ये किनारे थोड़े टहने होने चाहिए। घी गरम हो गया दोस्तों अच्छे से। अब मैं इसमें ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। इसको तेज घी में ही गरम करना है, नहीं तो ये बहुत घी पी जाएगी ब्रेड। इसी तरह मैं बाकी के ब्रेड भी फ्राई कर लेते हैं। सैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं कर रही मैं इनको। मेरे ब्रेड फ्राई हो गए हैं और दोस्तों ये मेरे
गुलाब जामुन की चाशनी बची हुई थी इसका मैं इस्तेमाल इनको डिप करने के लिए कर रही हूँ। मैं इसको चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी में ज्यादा देर नहीं छोड़ना है इनको। ब्रेड मेरे फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको चाशनी में भी डिप कर दिया है। अब जो मैंने खोए का ये बनाया था मिक्सचर, अब मैं इसके ऊपर फैला देती हूँ इसको। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं काट के और इसके ऊपर रख सकते हैं। ये मेरे तैयार हैं, इनको धीरे से फोल्ड कर देंगे। तो ये गुजिया की शेप में भी आ सकते हैं, खुले हुए भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बना के देखना। और त्योहारों पे हमारे यहाँ मिठाइयाँ तो आती है, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, इनका ये बच जाता है रस, उसका उपयोग भी हो जाता है और हमारी मिठाई एक नई तैयार हो जाती है। सब खुश होके खाएंगे, ट्राई जरूर करें, और अच्छी लगे और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।